बाहर नहीं आ सकते सर्टिफिकेट में, वरना गवर्नमेंट आगे पकड़ लेगी। मालूम है कि किसी बड़े बाजार में आप नहीं खोल सकते। हाँ, जिसने फार्मेसी कर रखा है तो उसके सर्टिफिकेट पे दवा खाना खोल सकता है, फार्मेसी की तालीम है जरूरी। जमीयत उलमा इन तमाम कामों का काम कर रही है, अर्गेनिकल का काम कर रही है, फार्मेसी के। अभी मैं आसाम गया था, आसाम में गुवाहाटी से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक जगह का नाम है नौगांव। नौगांव में हमारे एमएलए साहब हैं आसाम गवर्नमेंट को, उनका नाम है नूरुल हुदा साहब। नूरुल हुदा साहब के घर हम गए तो बहुत शानदार वो फार्मेसी कॉलेज चला गया, बेहतरीन फार्मेसी कॉलेज, और हॉस्टल के साथ हजरत के साथ हम गए तो हजरत को देवबंद में फार्मेसी कॉलेज बनाना है, इसलिए हम इस फार्मेसी कॉलेज को देखने के लिए गए। आज झारखंड में जरूरत इस बात की है कि हम फार्मेसी कॉलेजेस हम बनाएं। मौलवी स्टेज में आ जाए, हम लोग अब ये समझें खाली कि ये खाली रोजा नमाज की बात करके चल पड़ेंगे। भाई हम भी देख रहे हैं आप, तो हम हर जगह बेदार करते हैं। हम आपसे ये कहते हैं कि हमारा जो दीन है वो अक्ल के मुताबिक है, हमारी जो शरीयत है वो फितरत के मुताबिक है, हमारी जो शरीयत हमारा जो दीन है वो दीन के दुनिया के तमाम तकाजों को पूरा करता है, ऐसा थोड़ा है। लिहाजा ये तमाम के तमाम चीजें हासिल करना जरूरी है। तो जहां अपने बच्चों को अभी अभी जो है हिंदुस्तान के हालात आपके सामने, इल्म पर मैं बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद में इंसानियत के बोलूंगा दो चार मिनट, फिर अपनी बात में खत्म करूँगा। हमारी मुल्क की जो गवर्नमेंट है एक वक्त आने जा रहा है, आ रहा है, आ चुका है कि अगर मदारिस में हम आंग असली तालीम को न किया जाए, असली मजामी दर्जे के लिहाज से कलासियत के लिहाज से नहीं पढ़ाए जाएंगे और उनकी मंजूरी नहीं दी जाएगी, गवर्नमेंट से उनका इल्हाक नहीं कराया जाएगा और गवर्नमेंट से तालीम के जो महकमा है उस महकमे से उसको नहीं जोड़ा जाएगा, किसी वक्त भी ये फरमान आ जाएगा कि आपका मदरसा नहीं चलती। इस वजह से अब इसकी जरूरत है कि समझिए कि नहीं कि अपने बच्चों को हाफिज बनाना है तो साथ ही साथ पांचवी भी पढ़ाना है, हाफिज बनाना है मौलवी बनाना है तो साथ ही साथ आठवीं भी पढ़ाना है, हाफिज और मौलवी मौलाना बनाना है तो साथ ही साथ दसवीं भी पढ़ाना है। अभी बात हो रही थी देवबंद बड़े हजरत वगैरह से बात हो रही थी, ये दारुल का भी ये तकरीबन इस सिलसिले में होने वाली है कि दसवीं आपको पास करना जरूरी है। अब हम मदनी मस्जिद के बारे में गौर कर रहे हैं, इस पर हम बैठ करके फिक्र कर रहे हैं कि पांचवी तक हम उसकी मंजूरी ले लें और मदरसे वालों को भी हम इसके तरफ मुतवज्जे करेंगे। एक पूरे झारखंड का आज झारखंड एक इजलास हम बुलाएंगे और बुलाने के बाद ये पैगाम दिया जाएगा कि मदरसों में आठवीं तक आप मंजूरी लीजिए, पांचवीं तक मंजूरी लीजिए और सिलेबस के साथ अपने मदरसों में तालीम लीजिए। ये वक्त अब ये आ चुका है, अब ये करना जरूरी है, इंशाल्लाह ऐसा किया जाएगा और हम लोग बेदारी का सरकार काम करेंगे इंशाल्लाह। साथ ही साथ जो हमारी बच्चियां हैं, जो ये हमारी बच्चियां हैं, इनको दीन के तालीम के साथ साथ इनको असली चीजों से भी हम आहम करना होगा। मसलन इन्हें सिलाई सिखाइए, इन्हें पढ़ाई सिखाइए, इन्हें और हुनर सिखाइए, दीनी तालीम के साथ साथ इनको दीनी तरबियत भी दीजिए, ये बच्चियों के लिए जरूरी है। अभी महादेवगंज जो मदरसा है हजरत का, उसमें एक कोर्स है बच्चियों का कि किस उम्र में किस आदमी के लिए कैसा खाना मुफीद है। 60 साल का आदमी जो बुरा है, 70 साल का, वो कौन सा खाना उसके लिए मुफीद है। एक बहू अगर हमारे घर में ऐसी आ जाए जिस बहू को ये मालूम हो जाए कि हमारे ससुर जो 70 साल के हैं इनका खाना इनकी सेहत के लिहाज से क्या मुफीद है वो पका के दे। हमारे घर में कोई हमक से है उसको वो खाना दे, इंजेक्शन लगाना वो जाने,
ब्लड प्रेशर चेक करना वो जाने और शुगर चेक करना वो जाने, मरहम पट्टी करना वो जाने, और जो एक महीना का बच्चा उसको कैसे दूध पिलाया जाए, जो छः महीने का बच्चा कैसे गिजा को आगाज किया जाए, कौन सी गिजा पहले दी जाए, अगर ऐसी वो बहू हमारे घर में आ जाएगी तो वो घर जन्नत होगी कि नहीं? आप मुझे बताइए वो घर जन्नत होगी कि नहीं होगी? हर चीज वो जानती है डॉक्टर की हड्डी। इस वजह से ऐसी बच्चियों की टीम बनाने की जरूरत है जो बच्चियां तमाम के तमाम सामने हमारे यहाँ जो मदरसे हमारे अकादर बना रहे हैं उसमें ये सारी के सारी चीज़ें। अल्लाह ताला हमको इस पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। इसके साथ साथ प्याम इंसानियत, देखिए भाई प्याम इंसानियत पे एक बात है, अल्लाह इरशाद फरमाता है आप पूरे आलम के लिए रहमत बना करके भेजे थे, यही इंसानियत मुसलमानों के लिए नहीं तमाम आलम के लिए। अब देखिए अभी तीन हमारे बिरादर नजर यहाँ बैठे थे, इमाम साहब तकरीर फरमा रहे हैं, इमाम साहब ने इतनी अच्छी तकरीर की कि इल्म के मौजू पर उनको हर बात समझ में आ रही है। जो फितरत से जो हम अहम चीज है, सच बोलना हर मजहब में जरूरी है कि नहीं? ये खाली इस्लाम में जरूरी है। माँ बाप की इज्जत करना हर मजहब में जरूरी है कि नहीं? ये खाली इस्लाम में। झूठ बोलना कौन सा मजहब इजाजत देता है? चोरी करना कौन से मजहब इजाजत देता है? किसी पर जुल्म करना, नाहक किसी को सताना, किसी को नाहक उसको किसी की जमीन कब्जा कर लेना, कोई मजहब इजाजत नहीं देता है। यही इस्लाम है, यही इस्लाम है मेरे भाई। इंसानियत का मतलब ये है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसी थी, आका के बारे में पूछा कि आप आका घर में कैसे रहते थे, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसी जिंदगी गुजारते थे, तो जवाब देती हैं कान हसी अमली बैठी ही, आका अपने घर वालों के साथ काम में लगे रहते थे। हत्ता के सीरत की किताबों में आता है कि आप चूल्हा भूनते थे, दाढ़ी मुबारक धुए से गर्द आलूद हो जाती थी और आप चूल्हा भूनते थे, और अज़वाजे मुतहरात में से आटा गूंथते थे, आप बकरी का दूध दूहते थे, आप अपने जूते खुद सिलते थे, यह तो पोशाक हो अपने बकरी का दूध खुद निकालते थे। फैदा हानत सला, जब नमाज का वक्त हो जाता था आप नमाज मस्जिद के लिए चलते थे। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि ऐसा महसूस होता था कि हर काम में हमारे शरीक हैं। आप जायजा ले लीजिए, हम अपना हम अपने घर वालों के साथ, एक बहू आ गई है घर में, अगर उसके ऊपर बोझ से ज्यादा काम है, सुबह उठती है शाम तक वो काम करती रहती है, उसके सोने और उठने और बैठने के कोई औकात मुतय्यन नहीं है, दोपहर के खाने के बाद दो मिनट को उसको बिस्तर नसीब नहीं है, सुबह उठती है बिस्तर छोड़ती है तो शाम को रात 10 बजे तमाम को खाना खिला करके फिर वो बिस्तर पर जाती है, यही प्याम इंसानियत है कि अपने बहुओं के साथ अच्छा मामला किए, अपने बहुओं के साथ अच्छा मामला कीजिए। अगर आपकी बेटी के साथ यही मामला किया जाएगा कि आपकी बेटी के सिलसिले में ये खबर आ जाए कि ससुराल में सुबह उठती है और रात तक उसे जानवर की तरह काम लिया जाता है, तो आपके दिल पर आरे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे? तो मेरे भाई हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आका ने फरमाया इस्तौसू बिन्निसाई खैरा, देखो देखो औरतों के साथ अच्छा मामला करो, औरतों के साथ जुल्म का मामला मत करना, तुम उनको लेकर के आए हो अपने घर में, अल्लाह को दरमियान में रख करके आए। कुरान करीम में क्या है,
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام.